हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ मारिया। और आज मैं जो आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर करने लगी हूँ वो सिंपल सी चॉकलेट की है, बॉन्टी की है। और इससे पहले जब मैं वीडियो शुरू करूँ, मैं आप लोगों से थोड़ी सी सॉरी करूँगी क्योंकि बहुत अरसे बाद मेरी जो है एक वीडियो आई है, वो बहुत टाइम के बाद आई है बिकॉज़ ऑफ़ माई कमिटमेंट्स एंड बिजीनेस। तो अब मैं इंशाल्लाह इरादा है शुरू करने का वीडियोज़, और मैं अब कोशिश करूँगी कि रेगुलर बेसिस पर वीडियोज़ ऐड करूँ। तो इसके लिए कुछ भी नहीं है, सिर्फ दो चीज़ों की ज़रूरत है। और इसमें जो सबसे पहले जो चीज़ है वो चॉकलेट है। चॉकलेट को जो है आपने मेल्ट कर लेना है, चाहे तो माइक्रोवेव में कर लें, चाहे तो पानी रख के उसके ऊपर कोई भी शीशे की बाउल लेकर उसमें चॉकलेट डाल लीजिए। सिंपल चॉकलेट है, उसको मैंने तोड़ के इसके बार्स को मेल्ट कर लिया। चॉकलेट को वो मेल्ट हो रही है अभी। और यहाँ पर मुझे चाहिए 1 कप के करीब जो है मैंने लिया है कोकोनट, यानी कि डेसिनेटेड कोकोनट। और ये है कंडेंस मिल्क, स्वीटन कंडेंस मिल्क। चाहे तो अपना जो वो मैंने आपको रेसिपी बताई हुई है वीडियो में उससे कर लीजिए, चाहे तो आप इससे बना लीजिए। तो इसको बस इसमें ऐड करूँगी मैं। थोड़ा सा ये प्रेशर लगेगा इस पर, तब ये निकलेगा। ओके फ्रेंड्स, मैं आपने पूरा टिन जो है ये कंडेंस मिल्क का यूज़ नहीं करना है। जहाँ पे आपको लगे कि बस यहाँ पे अब ख़त्म है वहीं पे आप रुक जाएं, आधा कंटेनर इसका यूज़ करना है, पूरा नहीं। अब मैं इसको मिक्स करूँगी। चाहे तो आप राउंड बॉल्स बना लें, चाहे आप इसको चॉकलेट की शेप देकर बना लीजिएगा। मेरे ख्याल में थोड़ा सा हाथ से पता लग जाएगा आपको कि इसकी डो फॉर्म नहीं हो रही है, तो आप उधर और थोड़ा सा कंडेंस मिल्क यूज़ करें। और मुझे यहाँ इसकी ज़रूरत है, मुझे लग रहा है कि यहाँ पे थोड़ा सा कंडेंस मिल्क और जाएगा। अभी भी इसमें थोड़ा सा और कंडेंस मिल्क ऐड करूँगी। फ्रेंड्स, ये मैंने जो है शेप दे ली है, चाहे तो आप ज़रा बड़ी बनाने जैसे बॉन्टी होती है, मैंने क्योंकि छोटे साइज़ की रखी हैं। आप इसको अब सिंपल ये जो मैंने चॉकलेट मेल्ट की हुई है इसको आप इसमें डिप करें और इसके ऊपर ऐड अप करें। सिंपल, और इसको सिंपली निकाल लें प्लेट में। इसी तरह आप सारे जो हैं कोकोनट के जो मैंने बार्स बनाए हैं, चाहे तो आप राउंड भी ले लें सिंपल। आप सबको कर लीजिए। फ्रेंड्स, ये मैंने कोट कर ली है चॉकलेट में, और अब मैं इसको कम से कम 1 घंटे के लिए फ्रीजर में रखूँगी। जब ये फ्रीज़ हो जाएंगे बिल्कुल चॉकलेट की फॉर्म तैयार कर लेंगे, यानी कि जैसे बॉन्टी होती है। तो 1 घंटे बाद हम इनका रिज़ल्ट देखते हैं। फ्रेंड्स, मैंने इसको पूरे 1 घंटे के लिए नहीं रखा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सख्त हो जाती है, तो फ्रीज़र काफ़ी तेज़ होता है, तो मैंने इनको सिर्फ 15-20 मिनट के लिए रखा है। आप लोग देख लीजिएगा, अगर आपको लगे कि ये इतनी हो गई हैं कि अब आपके सही हिसाब से ये एक्स्ट्रा चॉकलेट ये उतार दें कि साइडों से, तो ये देखें बिल्कुल रेडी हैं चॉकलेट्स। देखें बिल्कुल जैसे बॉन्टी होती है। मैं आपको काट के भी दिखा देती हूँ,
बिल्कुल वैसी सख्त और वैसी ही बिल्कुल जैसे नॉर्मल चॉकलेट होती है। ओके फ्रेंड्स, आई होप कि आपका न्यू ईयर बहुत अच्छा गुजरे, और ये न्यू ईयर की मैंने एक आगाज़ किया है कि होपफुली कि पूरे साल मैं वीडियोस बनाऊं, क्योंकि हर दफ़ा कुछ ना कुछ हो जाता था, लेकिन ये मीठे से आगाज़ किया कि होपफुली कि आप सबका अच्छा न्यू ईयर गुजरे और अच्छा साल गुजरे, और आपकी अच्छी अच्छी खुशियाँ आएँ, मीठी मीठी खुशियाँ आपकी लाइफ में आएँ आने वाले साल में। तो क्योंकि आज न्यू ईयर नाइट भी होगी, तो ये वीडियो जो है मैं सबको, अपने फैंस को और अपने चाहने वालों को डेडिकेट करती हूँ, और इस मीठे के साथ कि होपफुली कि आप सब लोगों का बहुत अच्छा गुजरे। मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा, कि आप कोशिश कीजिएगा, ये दुआ कीजिएगा कि अल्लाह मुझे हिम्मत दे, ताकत दे और टाइम दे, स्पेशली कि मैं वीडियोज़ जो हैं अपलोड करूँ ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि मेरे पास बहुत सारी रेसिपीज़ जमा हो गई हैं लेकिन मैं शेयर नहीं कर पा रही हूँ उन्हें। तो होपफुली कि ये मैं करूँगी, और आप इसको लाइक भी करेंगे, शेयर भी करेंगे, मुझे सब्सक्राइब भी करेंगे। हैप्पी न्यू ईयर फ्रॉम मारिया और फ्रॉम माई चैनल टू यू ऑल। होपफुली यू बी हैप्पी। टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।